Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am Shafiq Rehman and I am representing Bright Brother Solutions Private Limited. आज जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो हाउ टू डिज़ाइन अ सोलर सिस्टम. काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट भी मौसूल हुई, सो आई हैव डिसाइडेड टू डिस्कस दिस थिंग. बिफोर गोइंग टू डिटेल्स, यानी कि इसकी तफसील जाने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि पावर और एनर्जी में काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पावर और एनर्जी जो है वो एक ही चीज़ है, जबकि दोनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट है. अब अगर जो हम पावर की बात की जाए कि मैं बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, मैंने अगर जो डिस्टेंस कवर करना है, लेट्स सपोज एक किलोमीटर, और एक दफ़ा अगर जो मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ वही डिस्टेंस, तो मैं 5 मिनट लगते हैं, और वही डिस्टेंस जब मैं दोबारा कवर करता हूँ तो 10 मिनट लगते हैं. अब देखा जाए यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो सेम है, इवन डिस्टेंस भी सेम है. जो ये डिस्टेंस है दैट वुड बी एनर्जी, और जो हमने जितनी स्पीड से गए हैं, जाहिर बात है जब हमने वही डिस्टेंस 10 मिनट में कवर किया और वही डिस्टेंस हमने 5 मिनट में कवर किया, इट मींस जो हमने 5 मिनट में डिस्टेंस कवर किया है उसमें हमने ज़्यादा अपनी ताकत इस्तेमाल की, दैट इज़ पावर. सो कीप इट रिमेंबर, पावर और एनर्जी जो है डिफरेंट है. इसी तरह अगर जो हम यूनिट की बात की जाए, जो पावर का यूनिट है वो वाट है, और अगर जो एनर्जी का यूनिट की बात की जाए तो वो वाट आवर्स है. सो आज मैं आप लोग को एक असाइनमेंट भी देना चाहता हूँ कि जिन जो जो चाहते हैं इस बिज़नेस में आना, या जो चाहते हैं कि हम सोलर सिस्टम डिज़ाइन करना, सबसे पहले आपने अपनी पावर जो है वो टोटल कैलकुलेट करनी है कि आपके घर में जो अप्लाइंसेज हैं वो कितनी पावर की हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम फैंस की बात की जाए, और अगर जो हम माइक्रोवेव की बात की जाए, या रेफ्रिजरेटर की बात की जाए, किसी भी अप्लाइंसेस की बात की जाए जो उसकी पावर होती है वो हमें पता होनी चाहिए वो कितनी है. मैं आप लोगों से एक एक्सेल शीट भी शेयर कर दूंगा जिसमें आपकी जो बेसिक थिंग्स हैं, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर है, उसमें आपके पास टेलीविज़न है, आपके माइक्रोवेव है, ये सारी चीज़ें आप टोटल काउंट कर सकते हैं. और उसके बाद वंस यू आर एबल टू नो कि वो टोटल कितनी पावर आपको चाहिए, तो आप ख़ुद भी सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो बेसिक्स हैं वो बताना चाह रहा था. वंस यू आर एबल टू नो कि आपको कितनी जो पावर है वो चाहिए, लेट्स सपोज आपने जब सारी कैलकुलेशंस की लाइट्स और फैंस की, आपको पता चला जो आपने सिस्टम है वो आपका 3000 वाट का है, तो जब आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तो वी विल कंसीडर द 3 किलोवाट. सिमिलरली अगर जो आपने पावर को सारों को जब चीज़ों को ऐड किया, आपको पता चला इसकी जो टोटल पावर है वो 5000 वाट बनती है, तो जो आप सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो अकॉर्डिंगली 5 किलोवाट और करेंगे. तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक्स बताना चाह रहा था कि पावर और वाट मींस एनर्जी में क्या फ़र्क है, सिमिलरली आप कैसे सिस्टम जो है वो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके. दूसरा, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी सी एडवांस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वंस यू आर एबल टू नो हाउ मच यू नीड पावर, उसके बाद हफ्ते क्या क्या स्टेप लेने हैं. थैंक यू सो मच.